स्कूल में कॉलेज में आते हैं कुछ लोग, बहुत लोग आते हैं सिर्फ बैग टांग कर आते हैं, फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेंगे, और क्लास कुछ भी जो मुद्दा है वो जाकर HOD के पास नहीं मिलेंगे, प्रिंसिपल के पास नहीं मिलेंगे। अगर प्रिंसिपल से नहीं मिलेंगे लोग तो छात्र संगठन जहाँ पर एक्टिव है तो उनसे आकर नहीं मिलेंगे, और सिर्फ ब्लेम करेंगे कि कॉलेज में क्लास नहीं चल रहा है। जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं और हमको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, मतलब कि वो बोलने में कतराते हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, या फिर वो उस तरीके का पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग उसे सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पढ़िएगा नहीं तो सामने वालों को जवाब क्या दीजिएगा, इसके वजह से ये दूर भागते हैं। बच्चे लोग अगर अच्छे से क्लास करेंगे, रेगुलर अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी ना हर एक चीज़ का जानकारी होगा, महापुरुषों का जानकारी होगा उनके बारे में, देश के बारे में जानेंगे, देश में क्या अभी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में सरकार क्या नीति लाने वाली है, वो सबको जानकारी होगा तभी ना हम हर चीज़ को जानकारी लेंगे और हम अपना अच्छा प्रतिनिधित्व चुनेंगे और जनता और नेता लोग से हम अपने सवाल अपना अधिकार के बारे में पूछेंगे और जान लेंगे। इसी के लिए अच्छा सबसे पहले शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अभी आप सभी जो हैं यहाँ के छात्र हैं, और जब अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे ऑफ द कैमरा तो एक चीज़ पता चली कि यहाँ का सेशन जो है पहले बहुत लेट रहा करता था, 4-4 साल लेट यहाँ का सेशन था, और उसके वजह से बहुत यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की जो छवि है वो बहुत ख़राब हो रही थी। अभी आप लोग सभी यहाँ के स्टूडेंट हैं, अभी क्या है यहाँ सेशन का, क्या चल रहा है अभी? तो ऐसे सर, नया जो अति हुआ है, नया नीति जो बनाया, 4 साल का सर हो गया है अभी, तो पहले से सर सेशन लेट था, और अभी सर खुद कह रहे हैं कि 4 साल में क्लियर हो जाएगा। अभी पहला बार तो सर हुआ है तो अभी देख रहे हैं। अभी ऐसे तो सर टाइम पे एग्ज़ाम भी हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया, सेकंड सेमेस्टर का ऑनलाइन हो रहा है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा। टाइम पे सर धीरे धीरे होते जा रहा है, अब देखिए 4 साल के बाद मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी जो सब टाइम पे हो रहा है लेकिन उसके बाद क्या लग रहा है कि फिर से वही सिचुएशन हो जाएगा, ऐसा भी कुछ डर है क्या? डर तो है सर, ऐसे 4 साल का हो गया, 8 सेमेस्टर है, अब 4 से 5 साल अगर लगे तो 5 साल सर बहुत समय अधिक होता है। ऐसे ग्रेजुएशन सर जनरली 3 साल का होता है, और सर ऐसे 5 साल लगे तो बहुत ज़्यादा, 2 साल सर लॉस्ट है। अब 4 साल में हो जाए तो कुछ अच्छा है, पहले से अच्छा। अच्छा, क्लास आप लोगों की चलती है? अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं चल रही है क्लास। क्यों? अब इलेक्शन है, छुट्टी है, या फिर पहले था सर आते थे एक आध दो दिन, मतलब पहले आते थे तब तो सर नहीं चलती थी, एग्ज़ाम होते रहता है सर, कॉलेज है, एग्ज़ाम होते रहता है तो चलता तो नहीं है सर कॉलेज ऐसे। और आप में से सभी लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? नहीं, सिर्फ आपका बना हुआ, आपका नहीं बना है, आप लोग का नहीं बना है। तो आप लोग तो हैं 18 साल से ज़्यादा के, आप लोग का क्यों अभी नहीं बना है? 18 नहीं हुआ है आपका भी? 18 नहीं हुआ है तो आपका क्यों नहीं अभी तक बना है वोटर आईडी कार्ड? मतलब क्या इस तरफ हम ध्यान ही नहीं देंगे अभी इलेक्शन पे? तो मतलब हाँ, प्रतिनिधि चुनना तो ध्यान होना ही चाहिए। अब तो है, इस तरह का हो गया है, अब कुछ दिन के बाद लगभग हम जाएंगे अब, और आसपास जो मेरे गांव में जो थोड़े सीनियर सिटीजन है ज़्यादा, तो वो लोग कहते हैं कि मतलब हम आप लोग का वोटर आईडी बनवाएंगे। मेरे भाई लोग हैं थोड़ा मुझसे भी सीनियर है, तो उन लोग का भी मेरे गाँव के कुछ हैं सीनियर सब, तो वो लोग कहते हैं कि बनवा देंगे। तो हम लोग सोचे हैं कि थोड़ा ढिलाई करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, अब करेंगे, जाके करवा लेंगे। युवाओं को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है चुनाव के वक्त में, क्योंकि अगर वोटर आईडी नहीं रहेगा, अपना मत का अधिकार ही वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में अगले 5 साल वो सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड ही घूमेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। लेकिन गलती हमारी भी होती है, हम लोग वोट नहीं करते हैं। और एक हम लोग अभी जब इस कॉलेज में आए, कई छात्र जो वो तो बहुत अच्छे से उन्होंने मुद्दों पे बात रखी, सारी चीज़ बोले, और कई छात्र ऐसे भी थे जो बात करने में बहुत हिचक रहे थे। ख़ास तौर से एक बिहार का जो कल्चर है वो ये है कि राजनीति की बात करने में सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, अगर सड़क पे भी खड़ा होके कोई पॉलिटिकल बात करे तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन आजकल बिहार के स्टूडेंट्स में एक नया ट्रेंड चला हुआ है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं। तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकली हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ को मतलब कैसे दूर किया जाए कि आप पॉलिटिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और पढ़ने लिखने में भी अच्छे हो सकते हैं? देखिए, ऐसा कि जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं और हमको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है,
मतलब कि वो बोलने में कतराते हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, या फिर वो उस तरीके का पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग उसे सवाल जवाब कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पढ़िएगा नहीं तो सामने वालों को जवाब क्या दीजिएगा, इसके वजह से ये दूर भागते हैं। अच्छा, पहले के छात्रों में आपने बहुत सही एक बात कही कि पहले के छात्र जो हैं भले वो साइंस के विद्यार्थी होते थे लेकिन दिनकर को भी पढ़ते थे, गोरख पांडे को पढ़ते थे, प्रेमचंद को पढ़ते थे। और लेकिन अभी आपने जो कहा कि पढ़ाई उतनी नहीं रहती है कि वो सवाल जवाब कर पाए, सिलेबस में भी बहुत बदलाव हुआ है। अगर हम लोग क्लास वन से लेकर अभी तक का सिलेबस देखें, एनसीईआरटी का बदलाव हुआ है, प्रेमचंद की कहानियाँ हटाई गई हैं, निराला की कविताएं कुछ हटाई गई हैं, कई ऐसे लेखक हैं जिनकी कविताएं रचनाएं हटाई गई हैं। तो क्या सरकार एक वो जो बातचीत करने की शक्ति है, सवाल पूछने की शक्ति है, उसको निशाने पे ला रही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बच्चे लोग अगर अच्छे से क्लास करेंगे, रेगुलर अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तभी ना हर एक चीज़ का जानकारी होगा, महापुरुषों का जानकारी होगा, उनके बारे में, देश के बारे में जानेंगे, देश में क्या अभी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में सरकार क्या नीति लाने वाली है, वो सब का जानकारी होगा, तभी ना हम हर चीज़ को जानकारी लेंगे और हम अपना अच्छा प्रतिनिधित्व चुनेंगे और जनता और नेता लोग से हम अपने सवाल अपना अधिकार के बारे में पूछेंगे और जान लेंगे। इसी के लिए अच्छा, सबसे पहले शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अगर बच्चे लोग अच्छे से स्टूडेंट लोग शिक्षा कर ले, स्कूल में कॉलेज में आते हैं कुछ लोग, बहुत लोग आते हैं सिर्फ बैग टांग कर आते हैं, फ़ोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेंगे, और क्लास कुछ भी जो मुद्दा है वो जाकर एचओडी के पास नहीं मिलेंगे, प्रिंसिपल के पास नहीं मिलेंगे। अगर प्रिंसिपल से नहीं मिलेंगे लोग तो छात्र संगठन जहाँ पर एक्टिव है तो उनसे आकर नहीं मिलेंगे, और सिर्फ ब्लेम करेंगे कि कॉलेज में क्लास नहीं चल रहा है, हमारा समय सेशन पर नहीं चल रहा। हम लोग का अगर कभी हम लोग आंदोलन करने के लिए जाते हैं, हम लोग का सेशन पहले लेट चल रहा था तो हम लोग सबको कोचिंग में जाके बोलते थे कि आप लोग हम लोग का सहायता करिए, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे कॉलेज में, मेरे साथ आंदोलन करने के लिए चलिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए चलिए, तो सिर्फ नहीं आते थे। और जब उनका सेशन लेट होता है तो बोलते कि मेरा सेशन लेट हो रहा है। अच्छा, आपने अभी जो बात कही कि प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत कम निकलते हैं, अभी हाल में लगातार स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ है, कई बार अग्निवीर को लेकर प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का, फिर रेलवे को लेकर, एनटीपीसी को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ, और लगातार जो पेपर लीक के मामले हो जा रहे हैं उसमें भी प्रोटेस्ट तो हो रहा है छात्रों का, और उसमें छात्रों के ऊपर लाठी भी बरसाई जा रही है, उन्हें अरेस्ट भी किया जा रहा है, कई छात्र नेता जेल जाते हैं। ये सवाल इस वजह से और है क्योंकि आप सभी उस उम्र के छात्र हैं जहाँ पे आपको सरकारी नौकरी की अभिलाषा है ना, और नौकरी की अभिलाषा में ही सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी यकीनन कर रहे होंगे आप में से ज़्यादातर लोग। तो वैसे में छात्रों का भविष्य कितना आपको क्या संकट में दिखाई देता है कि लगातार पेपर लीक छात्रों पर के आंदोलन पे लोग अक्सर छात्र तैयार नहीं होते, प्लस अगर तैयार होते हैं तो उस पर दमन होता है, क्या भविष्य छात्रों का संकट में आपको दिखाई देता है? देखिए, ये विषय है नई शिक्षा व्यवस्था की, व्यवस्था परिवर्तन की। अब जैसे पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी उससे उसमें डेवलप होके आया कंप्यूटर, एक समय था जब कंप्यूटर के भारत में आया, उस समय भी विरोध हुआ लोगों का कि एक कंप्यूटर से अगर 100 लोगों का काम हो जा रहा है तो 100 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। यही व्यवस्था शिक्षा की भी है, ये व्यवस्था शिक्षा का कई वर्षों से चला आ रहा है। अब शिक्षा व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता थी, जो नई शिक्षा नीति आई है, और इससे लोगों में रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न होगा इससे। और जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड कह रहे हैं अपने आप को, ये उसी चीज़ का नतीजा है कि अब जनसंख्या तो रुकने वाली है नहीं, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, टेक्नोलॉजी भी उसके साथ साथ आ रही है, जो कि 1000 लोगों का काम एक आदमी कर सकता है बैठ के कंप्यूटर पे या फिर किसी भी माध्यम से, जैसे जेसीबी हो गया, 100 लोगों का काम एक दिन में एक ही आदमी कर देता है मशीन के माध्यम से। तो ये व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है शिक्षा व्यवस्था के साथ, और शिक्षा व्यवस्था जब बदलेगी तो इसमें स्वरोजगार का जो विषय है, जो लोग अभी कह रहे हैं कि हम सरकार, लेकिन पेपर लीक कैसे निपटारा होगा? देखिए, पेपर लीक का जो निपटारा का मामला है, तो पेपर लीक ये तो भ्रष्ट जो ये आपका अधिकारीगण हैं वो कर रहे हैं,
और इस समस्या का निपटान के लिए युवा बहुत कुछ कर सकता है, तो वो अपने उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर सकता है, जैसे आप सीएम के खिलाफ़ प्रोटेस्ट करिए या फिर कॉलेज प्रशासन जहां भी पेपर लिखो उसके खिलाफ़ सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ युवाओं को तो आप बांध के रख नहीं सकते हैं प्रोटेस्ट के करने के लिए। अब ये समाधान कितना करता है ये उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से छात्रों से हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक दो चीज़ जो निकल के आ रही वो ये है कि कहीं ना कहीं छात्रों को ये लग रहा है कि सिर्फ रोज़गार पे निर्भर नहीं रहना है, सरकारी नौकरी पे स्वरोज़गार की ओर भी जाना है। लेकिन स्वरोज़गार की एक अपनी समस्याएं होती हैं। अभी अगर हम लोग स्टार्टअप्स को देखेंगे तो बायजूस बंद हो गया जो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप था, पेटीएम की स्थिति बहुत ख़राब है, कई ऐसी कंपनी हैं जो बड़े बड़े स्टार्टअप हुआ करते थे एक वक्त में, आज से 2-3 साल पहले, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। तो स्वरोज़गार में भी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ख़तरा है। देखिए ऐसा है कि स्वरोज़गार करने के लिए ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ बड़ा ही सोच सकते हैं, सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा। और स्वरोज़गार करने के लिए जैसे आपने स्टार्टअप नया स्टार्टअप के लिए कहा, उसके लिए शिक्षक ज़रूरी है। तो शिक्षा जब जरूरी है, अगर जब तक कोई व्यक्ति पूरा शिक्षित नहीं होगा, उसके लायक कैपेबल नहीं होगा कि हम कोई ये प्रोजेक्ट बनाएं और इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएं जो ग्लोबल लेवल पे या बड़े लेवल पे हो सकता है, जिसे हम एम्प्लॉयड तैयार कर सकते हैं, रोजगार हम तैयार कर सकते हैं, ऐसे शिक्षा की ज़रूरत थी जो अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है। हाँ, अभी वर्तमान में विषय ये है कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें शिक्षकों की घोर कमी है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो खुद नहीं जानते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है, उस पर कैसे काम किया जाए। इस पर सरकार को बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो ध्यान आकर्षित करके और नई शिक्षा नीति के तहत नए शिक्षकों की बहाली करें और उसमें उसे टारगेट दे कि आप अपने बच्चों को में कितना आप ऊर्जा देते हैं बच्चों में कि नए एम्प्लॉयड खड़ा कर सके अपने लिए स्वरोजगार की, जिस क्षेत्र में हो स्वरोजगार के लिए अपने आप को कैपेबल बना सके। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के लिए रोज़गार का ही होता है और रोज़गार पर, पढ़ाई पर हम लोग लगातार एक नज़र बना के रखे हैं। और इलेक्शन में भी हमें ये नहीं भूलना है कि हमें छात्रों की आवाज़ को प्रमुखता से उठानी है। आप लोगों को ये वीडियो, ये बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की और बातचीत हम लोग यकीनन और भी लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और जो है वहाँ के कॉलेजेस में छात्रों से बात करेंगे। उनकी बात और उनके मुद्दों को जानने और समझने के लिए पीबी बिहार न्यूज़ और डेमोक्रेटिक चरखा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि जब भी हम लोग वीडियो डालें, अपलोड करें, तो आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।